हेलो गाइस, एग्जीक्यूटिव ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया रिजल्ट को लेकर। इस वीडियो में बात की कौन छात्रों का रिजल्ट आया है, बाकी सीओ के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट हुई बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरा आज का ऑफिशियल सर्कुलर इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें मेंशन है, देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराने विश्वविद्यालय के साथ 2022-23 के समय सेमेस्टर के फार्मा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के 8 सेमेस्टर के रेगुलर छात्रों का परीक्षा परिणाम एक्टिव के वन व्यू वेबसाइट पर उपलब्ध है। आगे क्या मेंशन है इसमें, इसमें साफ साफ मेंशन है कि आप लोगों को 8 सेमेस्टर का रिजल्ट था एक्टिव के रेगुलर छात्रों का, जो बी फार्मा के स्टूडेंट थे उन सभी के छात्रों का रिजल्ट एक्टिव में उन्हीं पर जारी कर दिया है। बाकी अगर आप लोगों के जो सी ओ पी थे या फिर पेंडिंग थे या फिर स्पेशल कैरियर के जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो भी नहीं आए तो आप लोग उसको लेकर वेट करिए। लेकिन फिर भी एक बार बता दूँ कि जो आप लोगों के चैलेंज इवोल्यूशन और पेंडिंग रिजल्ट थे उसके जब ही आएंगे जब आपके रेगुलर सारे रिजल्ट आ जाए। कहने का मतलब ये है अभी जितने सारे जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बी टेक, बी फार्मा, एम बी, एम सी, जब सारे रेगुलर आ जाएंगे उसके बाद ही सी ओ पी और कैरियर रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। तो अभी थोड़ा उधर बना रखिए, नियर अबाउट सभी के छात्रों के आ चुके हैं, कुछ ही कोर्सेज बचे जिनका छात्र जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है रेगुलर का। तो रेगुलर रिजल्ट आने के बाद, सारे रेगुलर रिजल्ट आने के बाद फिर सी ओ पी रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे, यानी 2 से 3 दिन के अंदर आने के चांसेस हैं। बाकी हो सकता है चेक करते रहिए, वन वी पे अपडेट हो सकता है, कभी बिना अपडेट आए भी यानी बिना नोटिस सर्कुलर आए भी यहाँ से अपडेट हो सकता है। बहरहाल ये अपडेट थी, कोई और डाउट कमेंट करिए। इस तरह की वीडियो बनाने के चैनल सब्सक्राइब घंटी बटन द्वारा कोई और डाउट कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।